Captain's head on the ground. हाँ ये पहला है। ओल्ड ऐप हम यूज कर रहे हैं और हम जा रहे हैं मोडवाल कैनो। हमने ट्रेन यूज की, वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं थी इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई है। तो अभी हमने बोल्ट ऐप यूज की है और बहुत रीजनेबल है। तो अभी हम मोडवाल कैनो जा रहे हैं, इसमें लुक एट दिस। और यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पिंग है क्योंकि हमें लैंग्वेज बैरियर है, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है कुछ को नहीं आती। सो दो लड़के हमें मिले थे, वो हमें ट्रेन से लेकर आए 20 यनार स्टेशन। वहाँ से हमने ये बोल्ट कार हायर की और अब हम जा रहे हैं मोडवाल कैनो। सो यार रियली गुड पीपल, आई रियली लाइक दैम। सो अगर आप आएँ तो आप भी इस तरह से ट्रेन में सफ़र करें, आप इंजॉय भी करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी करेंगे। दिस इज़ आवर ड्राइवर। मोडवाल कैनो के लिए हम हाइट पर जा रहे हैं और काफ़ी ऊंचा है ये, और यहाँ काफ़ी सारे मोडवाल कैनो हैं डिफरेंट प्लेसेस में। ये क्या है कोई समझ नहीं आ रही, हवा बहुत तेज है। और आप व्यू चेक करें, कमाल का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप इनके घर देखें और ये सारी आबादी। और वो उस तरफ एक झील है और अभी हम फिलहाल मोडवाल कैनो देखेंगे कैसा है। हवा बहुत तेज़ है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हवा और तेज होती जा रही है। लेकिन ये कि अब सिटी तो हमने देख लिया, बाकी थोड़ा सा आउटसाइड भी निकला था कि आप कंप्लीट आप देख सकें कि ये क्या है। बस आई है और हम इंजॉय कर रहे हैं बसेस में। कार्ड पुश करें, पांच कार्ड। निज़ामी स्ट्रीट या इसी शहर से अगर आप हैदर अलीयव सेंटर आना चाहते हैं तो उसके लिए मेट्रो स्टेशन से आप नरमन मेट्रो स्टेशन पे आप उतरें और वहाँ से पैदल स्ट्रेट अवे हैदर अलीयव सेंटर आ जाएं। मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। ये इस तरफ से रास्ता आया है और ये हैदर अलीयव सेंटर। दिस इज़ द चीपेस्ट वे एंड बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनी सिटी। सो इसमें मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है कि हम जब वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो हम मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, इनका सारा ट्रेडिशन देखते हैं। सो अगर हम गाड़ी में भी आएँ, हम गाड़ी में भी आ सकते हैं, टैक्सी में आप बोल्ट ऐप यूज़ करके आप टैक्सी में भी आ सकते हैं, बट उसमें कि वहाँ से आप बैठेंगे और स्ट्रेट अवे हैदर अलीयव सेंटर उतर जाएंगे एक्सप्लोर। जैसे अब आप पैदल घूमते हैं मार्केट्स के अंदर, वो सबसे बेस्ट वे है एक्सप्लोरिंग का। ये हैदर अलीयव सेंटर आ गया, ये देखें।
ये फ्लैट्स हैं सारे, और ये हैदर अलीयव सेंटर, यहाँ का सबसे मेन सेंटर, सिग्नेचर सेंटर। और वो रहा सामने फ्लेम टावर्स और बाकू सिटी, ये भी बाकू सिटी है, वो निज़ामी स्ट्रीट और हाईलैंड पार्क। मौसम आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। बेमिसाल है हर तरह से। ऐ काश के पाकिस्तान भी ऐसा खूबसूरत हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई। फाउंटेन्स ready? Yes. Where are you from? We are from Kazakhstan. Kazakhstan. Assalamu alaikum. ये उस तरफ बीच है और ये पीछे इचली शहर से हम अभी निकले और सामने बीच है और अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये अभी हम आ गए हैं बीच पे, आई मीन्स बीच सी व्यू पॉइंट। बीच दूसरी साइड पे है और ये फनिकुलर यहाँ पे है, सारा क्रूज है यहाँ पे। सो हम क्रूज़ भी ट्राई करेंगे और यहाँ से आप ये सामने फ्लेम टावर्स, और एक वो नया टावर बन रहा है और एक ये बिल्डिंग और वो कारपेट म्यूज़ियम। एक मन्नत की हमने आइसक्रीम ली है, ये छुप के खाने के चक्कर में, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी है। और दिखा तो दे काका, अड्डी कड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तू खानी ना तू ले ले दे रहा ना तू ले ले ना काका, तू आपे कह रहे मन मन्नत मन मन्नत ए मन मन्नत के चक्कर में काके ने जड़ी ना ये काका आइसक्रीम लीती है। हाँ कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, लो जी काके ने एक्सेप्ट कर लेती है वन मंथ दी आइसक्रीम। इंतहाई खूबसूरत ये कॉर्निश है और ये सी व्यू, ये काफ़ी बड़ा आगे मिली पार्क है, उस साइड पे सारा पार्क है मिली पार्क। और यहाँ पे एक ट्राम भी है, अभी मैं वो ढूँढूँगा ट्राम किधर है, वो बहुत अच्छी ट्राम है यहाँ पे, वो हम यूज़ करेंगे। इधर ऊपर बैठ, Thank you.
ये जी बाकू आई इसको बोलते हैं, ये जो झूला लगा हुआ है इसको बाकू आई बोलते हैं। और ये डेनिस मॉल है जिसमें अभी हम गए थे, इंतहाई खूबसूरत। और अभी हम जा रहे हैं मिनी विनस, और एक ये टावर है इसको भी देखेंगे अभी बाद में, फ्लेम टावर शाम को देखेंगे। और ये कारपेट म्यूज़ियम है, अच्छा जी ये कारपेट म्यूज़ियम है, यहाँ का जो भी ट्रेडिशनल इनका कारपेट्स हैं, इंडस्ट्री है कारपेट की, उसकी डिटेल्स हैं, कारपेट्स किस तरह बनते हैं, कौन सा कारपेट, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, उसमें क्या स्टफ़ यूज़ हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इस कारपेट म्यूज़ियम के अंदर है। अगर आपको इंटरेस्ट हो कारपेट्स में तो आप जो है ये कारपेट म्यूज़ियम चेक कर सकते हैं। नहीं जी ये खूबसूरत मिनी विनस की कॉपी इन्होंने की हुई है। अभी हम ट्राम से हाईलैंड पार्क जा रहे हैं, ट्राम में बैठ कर, सॉरी 1 minute फॉर 1 person एंड वी आर गोइंग ट्राम टू हाईलैंड पार्क। अच्छा जी ये ट्राम है जो हमें हाईलैंड पार्क लेकर जाएगी, और यहाँ पे ये खड़े होकर भी जा सकते हैं और सिटिंग भी है। चलो खड़े होकर ही जाते हैं। ट्राम में हम बैठ के हैं, 1 minute for 1 person और ये नीचे कारपेट म्यूजियम के बिल्कुल सामने है ट्राम। अगर आप हाईलैंड पार्क जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं, और इसी ट्राम में आप ऊपर से वापस भी आ सकते हैं। ये जी हाईलैंड पार्क, ये बाकू का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से आपको पूरे बाकू का व्यू मिलता है। और अभी आपको नीचे व्यू दिखाता हूँ मैं सारा यहाँ पे। ये बाकू आए हैं, ये डेनिस मॉल है, और ये कारपेट म्यूज़ियम, और ये बाकू सिटी, और इसके साथ ये फ्लेम टावर्स, और ये कंप्लीट हाईलैंड पार्क जो कि इंतहाई खूबसूरत और गुड व्यू पॉइंट है बाकू का। यहाँ पे आप बाय रोड भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, और ट्राम में भी आ सकते हैं। ट्राम जो है ये सामने कारपेट म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ है, वहाँ से स्टार्ट होती है और स्ट्रेट अवे ये ऊपर आके उतरती है। मगरिब का टाइम हो गया और अभी 8:30 बज रहे हैं, और बड़ी दूर दूर मस्जिद हैं यहाँ पर और बड़ी कम है। ये सुन्नी हनफी मसलक की मस्जिद है और जो कि इंतहाई खूबसूरत है। और अज़रबैजान बाकू में तकरीबन 4 से 5 मस्जिदें हैं जो अहले सुन्नत वल जमात की हैं। हाईलैंड पार्क से ये ट्राम जो है मगरिब के टाइम बंद हो जाती है, और यहाँ पे मगरिब हुई है 8:30। मगरिब पढ़ के हम जब नीचे उतरे तो ट्राम बंद थी, तो हाईलैंड पार्क से हम पैदल या स्टेयर्स के ज़रिए हम नीचे आए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट ये सामने आप देखें ये हाईलैंड पार्क है, और ये नीचे आ गया हूँ।